नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान गुरु परिवार में सभी मित्रों का स्वागत है। आज 12 जून 2020 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको फटेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपको उन प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर क्या होगा ये देखेंगे। किस राज्य सरकार ने राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है, उसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान। और आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गोहत्या से अपराधों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए अपना। किस राज्य ने गोहत्या से अपराधों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गोहत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गायों को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक कारावास का प्रावधान और गोहत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रावधान है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, और दूधवा नेशनल पार्क है वहाँ पे, और पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, नोएडा में उत्तर प्रदेश में है। और इसी के साथ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, और ताजमहल भी आगरा में है यूपी। यमुना नदी किनारे ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गो इंटरनेशनल ने एड्रो लुब्रिकेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, विराट कोहली, सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद। सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताइए। गार्गो इंटरनेशनल ने एड्रो लुब्रिकेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, विराट कोहली, सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर भी करते जाइए। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सोनू सूद। तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ की गुडविल एम्बेसडर टू पुअर नियुक्त किया गया है। एडिडास में भारत का अपना नया ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशियाई शहरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड हुई है, 28%, 29%, 30%, 31%। सभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 29%। जो शहरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है, पहले एशियाई शहरों की आबादी 523 थी, अब बढ़कर 674 हो गई है। कितनी, 674 बढ़ गए हैं, हो गए हैं 523 से बढ़कर 674। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही पियरे कुरंजीजा का निधन हुआ है, वे किस देश के राष्ट्रपति है, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, केन्या, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा बुरुंडी, बी ऑप्शन। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे कुरंजीजा का निधन हुआ है, और बुरुंडी की राजधानी है गिटेगा। बुरुंडी की मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक,
और अभी टेलीविजन अभिनेता जगेश मुखाती का भी निधन हुआ है। साथ ही पद्मश्री से सम्मानित IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रीति सिंह का भी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-2021 की जारी की है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? QS ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है, इसमें शीर्ष स्थान कौन रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मस्टगेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2021 जारी किया है QS ने, तो इसकी शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और टॉप तीन अमेरिका की यूनिवर्सिटी के नाम है, पहली है ये बता दिया, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। और इसमें 8 भारतीय संस्थानों को भी जगह मिली है। 172 स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, 172 IIT बॉम्बे है 172 पे। और 185 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और 193 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के अलेक्जेंडर ससस्टोव को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका 1 साल, 4 साल, 3 साल, 8 साल? सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर बताइए अपना। 9, 8, 7, 6, 5 शेयर करते जाए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 4 साल। पूरे यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर ससस्टोव को पर 4 साल का बैन लगाया गया है। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग टेस्ट, डोपिंग टेस्ट का मतलब है खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन करना जो कि शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और इससे वह अपनी क्षमता से सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब पढ़ेंगे रूस के बारे में। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मॉस्को। राजधानी क्या है? मॉस्को। मॉस्को है इसकी राजधानी। वो करेंसी है रूबल। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपियन रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ड्यूमा रूस की संसद का नाम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़कर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 10, 9, 8, 7, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 15%, 25%, 38%, 20% सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा 25%, बी ऑप्शन। भारत सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर अभी 25% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GRSE ने किसे ICGS कोलकाता बरुआ पोत सौंपा है? नौसेना, थल सेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल? सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। GRSE ने किसे ICGS कोलकाता बरुआ पोत सौंपा है? नौसेना, थल सेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, भारतीय तटरक्षक बल। गार्डन रिचन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत की एक प्रमुख युद्धपोत निर्माण कंपनी है GRSE ने।
जीआरएसी की फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। स्थापना हुई थी 1884 में और मुख्यालय कोलकाता, एमडी एंड सीईओ है विपुल कुमार सक्सेना। और भारतीय तटरक्षक बल के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है कृष्ण स्वामी नटराजन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। इस योजना का उद्देश्य क्या है? पंचवटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे अभी, राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिगम्पा नारायण जी है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 तक भारतीय रेलवे के लिए कौन सा वार्ड सबसे सुरक्षित रहा है? कौन सा वर्ष व्हाट्सएप की जगह है वर्ष, कौन से वर्ष सुरक्षित रहा है जिसमें पहली बार रेल दुर्घटना में किसी भी यात्री को मौत नहीं हुई? 2020 तक भारतीय रेलवे के लिए कौन सा वर्ष सबसे सुरक्षित रहा है जिसमें पहली बार रेल दुर्घटना में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है? 2019-20, 2018-19, 2017-18, इनमें से कोई नहीं। 2019-20, 2018-19, 2017-18, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, 2019-20। भारतीय रेलवे के बारे में पढ़ेंगे अब, भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। स्थापना मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री अभी वर्तमान में पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है? लाल, काला, सफ़ेद, हरा। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। 8, 7, 6, 5, 4, 3 सही आंसर है डी ऑप्शन, हरा। BS6 वाहनों पर हरा रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक कौन नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल, अनिल बलूरी, सुंदर पिचाई, श्री पीयूष श्रीवास्तव। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।